हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य पर जिला स्तरीय समारोह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह में प्रदेश के सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य व बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की तथा राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने पुलिस, होमगार्ड के जवानों, स्कूली बच्चों, NCC, NSS और स्काउट्स गाइड द्वारा प्रस्तुत भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत व रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। अपने संबोधन के दौरान IPH मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य में जल संरक्षण के लिए 4,751 करोड़ की परियोजना वित्तीय पोषण के लिए केंद्र सरकार को भेजी गई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2000 से पूर्व बनी पेयजल योजनाओं के सुधार हेतु 798 करोड़ की योजना केंद्र को प्रेषित की गई है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सप्लाई उचित ढंग से हो सके। के लोगों ने, हमारे होमगार्ड के जवानों ने, हमारे NCC के कैडेट्स ने, हमारे बैंड जो हमारा होमगार्ड का पहल है उन्होंने, और जो स्कूल के बच्चे हैं, जो हमारा भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है, जिन्होंने शानदार परेड का आगाज किया है, मैं अपनी ओर से, अपने सरकार की ओर से जहां का धन्यवाद करता हूं। वहीं आज इस वीरभूमि में मैं यहां के सपूत, हमारे यहां के सांसद आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं पीछे नदौन में गया था, नदौन में जो वीरभूमि में रहने वाले जो नागरिक हैं, आप सबको इस सत्र में हमारे इस हिमाचल प्रदेश के मैं जन्मदिन ही मान सकता हूँ, क्योंकि आज हम इकट्ठे हुए हैं, हम हिमाचल प्रदेश को कैसे बहुमुखी विकास की तरफ ले जाए, बुलंदियों की तरफ ले जाए, ये तभी संभव होगा जब हम सब मिल करके जो है एकजुट होकर के हम आगे एक नई दिशा की तरफ बढ़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। तो लोगों के पीछे चलना पड़ेगा और ये बहुत अच्छी परंपरा है, मैं इस परंपरा का स्वागत करता हूँ कि 70 वर्ष में हमारे प्रदेश ने जो पाया है, इस लोकतंत्र को मजबूत किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी, इस प्रदेश के प्रधानमंत्री जी, जो छोटे से गरीब परिवार से निकले हुए हैं, तो धरातल को धरातल का पता है, जिन्होंने पूरे दिन देखे हुए हैं। भाई और बहनों, जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में गरीबी ना देखी हो, हर इंसान की जिंदगी में वृद्धि का एक दौर जरूर आना चाहिए, और जब वृद्धि का दौर वो बचपन में आ जाए तो बहुत अच्छा रहता है। अगर कोई बुढ़ापे की वृद्धि हो तो बहुत बुरी होती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बचपन में वृद्धि का दौर देखा है और उस वृद्धि के दौर से जो निकला हुआ व्यक्ति है वो आज केवल मात्र 7 वर्ष के लिए ही नहीं, वो तो पूरे विश्व के लिए एक दिशा दे रहा है। वहीं सोलन के ठोटो मैदान में भी हिमाचल दिवस की धूम देखने को मिली। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और आकर्षक मार्च पास की सलामी ली। मार्च पास में पुलिस, होमगार्ड, स्कूल के बच्चों एवं NCC कैडेट्स की 18 टुकड़ियों ने परेड में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। राजीव बिंदल ने अपने संदेश में कहा कि अगर भारत को फिर से विश्व गुरु बनना है तो हिमाचल का विकास करना होगा, और हिमाचल का विकास तभी संभव है जब सबका साथ होगा। उन्होंने कहा कि जहां आज के दिन हम सभी प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने वालों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और प्रदेश के सेनानियों को याद कर रहे हैं, तो वहीं आज हमें संकल्प लेना है कि सबका साथ, सबका विकास की भावना के साथ काम करना चाहिए। जब तक हिमाचल आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक हिमाचल में प्रत्येक गांव आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक भारत दुनिया का विश्व गुरु दोबारा से नहीं बन सकेगा। और भारत को विश्व गुरु बनने के लिए हिमाचल का विकास, सोलन का विकास, सोलन जिले का विकास ये जरूरी है। आइए आज के दिन हम जहां उन बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करें, हिमाचल के सैलानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करें, हिमाचल को आगे बढ़ाने वालों को और अपना सलाम अर्पित करें, वहीं हम संकल्प लें कि हम सब मिल करके सबका साथ, सबका विकास, इस ध्येय वाक्य को साथ लेकर के और सामाजिक समरसता के मूल मंत्र को एडॉप्ट करें।
जो गरीब है, जो पिछड़ा हुआ है, जो दलित है, जो इसी प्रकार से डाउन ट्रॉडन है, उसको हम गले लगाएंगे, उसको साथ लेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। जब सब साथ बढ़ेंगे तभी मेरा प्रदेश और मेरा देश आगे बढ़ेगा। वहीं धर्मशाला के पुलिस मैदान में आयोजित जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने की। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज भी मौजूद रहे। अपने संबोधन के दौरान मुख्य अतिथि ने लोगों को हिमाचल दिवस की बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश ने 70 वर्षों में विकास के अनेक आयाम स्थापित किए हैं और 70 वर्षों में प्रदेश ने आशातीत प्रगति की है, जिसका श्रेय प्रदेश के मेहनती व ईमानदार लोगों के साथ साथ हिमाचल निर्माता वाइस परमार को जाता है। उन्होंने कहा कि नूरपुर की घटना ने सबको शोकाकुल कर दिया है और दुख की इस घड़ी में हम सब प्रदेशवासी शोकाकुल परिवारों के साथ हैं। अनिल शर्मा ने घायल बच्चों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की। प्रथम हिमाचल दिवस के इस पावन अवसर पर आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके सबके तथा प्रदेश के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जैसे कहा गया 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर इस छोटे से राज्य का जो है ये अस्तित्व में आया था। 70 साल का एक लंबा समय इस छोटे से प्रदेश को, जहां सड़कें नहीं हुआ करती थी, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं और कोई भी सुविधा जो 70 साल पहले नहीं थी, और पिछड़े पर का पहाड़ों का नीति समझा जाता था, और 70 वर्षों में इस प्रदेश में आशातीत प्रगति हुई है, जिसका श्रेय इस प्रदेश की मेहनतकश वो ईमानदार जनता को जाता है। मैं इस अवसर पर उन सब महान विभूतियों का भी स्मरण करता हूं जिन्होंने इस प्रदेश के विकास में योगदान दिया है। मैं यहां विशेष तौर पर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री एवं हिमाचल पर निर्माता डॉक्टर वाइस परमार को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने इस प्रदेश को एक अलग पहचान दिलाई और प्रदेश के विकास के लिए एक सशक्त आधार प्रदान किया। परंतु हाल में नूरपुर के निकट हुई दुखद बस दुर्घटना ने हम सबको शोकाकुल कर दिया है। दुख की इस घड़ी में हम सब प्रदेशवासी शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं और जितने बच्चे जो इस हॉस्पिटल के अंदर हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं कि जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो और भविष्य में ऐसी दुर्घटना ना हो, इसके लिए सरकार कड़े निर्देश लागू करने जा रही है। भाइयों और बहनों, प्रदेशवासियों की सेवा हमारे लिए एक साधना है और आपके हित हमारे सर्वोपरि हैं। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ ये टीम भावना से कार्य कर रही है। हमने सत्ता की बागडोर संभालते ही भारतीय जनता पार्टी के स्वर्णीय दृष्टि पत्र को सरकार की नीति दस्तावेज बनाया है और उसके अनुसार ही काम किए जा रहे हैं। आपने देखा ही है कि हमने सभी विभागों को 100 दिन के लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिन्हें पूरा किया गया और इस छोटी सी अवधि में उपलब्धियों की लंबी चौड़ी सूची बन गई है। मैं यहां कुछ विशेष उपलब्धियों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। सर्वप्रथम हिमाचल दिवस की 70वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। हमने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि व अन्य लोगों ने नूरपुर बस हादसे में मारे गए बच्चों की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं प्रस्तुत किए गए।